हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आपका फायर आई स्किल शॉर्ट का एक न्यू वीडियो में वेलकम है। आज मैं आपको पबजी की टॉप 7 स्नाइपर्स के बारे में बताता हूँ। इसमें हमारी 7th नंबर पे आ जाती है VSS, जो कि बहुत सारे लोगों ने इसको डिग्रेड कर रखा है, लेकिन भाई जिसको ये स्नाइपर चलानी आती है उसके लिए बहुत बेस्ट स्नाइपर है ये। 6th नंबर पर आ जाती है Mini 14। भाई ये पबजी में पता नहीं क्या सोच समझ कर ली गई गन है, इसमें बस 8x स्कोप लगता है और इसका कोई काम नहीं है। अगर आप एनिमी को 20 बुलेट्स मारते हो जब भी उसको ज़्यादा डैमेज नहीं होता और नॉक भी नहीं होएगा, तो आप इस गन को ना ही उठाएं तो अच्छा है। तो हमारी 5th नंबर पे आ जाती है SKS। ये भी भाई वैसी गन है, इस पर भी 8x लग जाता है और इसका कोई काम नहीं है इतना खास। इसके बाद हमारी आ जाती है 4th नंबर पर SLR। ये तो बहुत अच्छी मतलब DMR राइफल है और इसका रिकॉइल भी बहुत अच्छा है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है और एनिमी डैमेज भी अच्छा हो जाता है। SKS और मिनी से अच्छी यही लगती है मेरे को। 3rd नंबर पे आ जाती है हमारी Kar98। बहुत सारे लोग की ये फेवरेट गन है और बहुत सारे लोग AWM और M24 को छोड़कर इसे यूज़ करते हैं। जैसे डायनमो को देख लेना आप, वो इससे ज़्यादा अच्छी स्नाइपिंग करता है। तो हमारी बस इसका यही डिसएडवांटेज है कि ये इससे हम लेवल 3 के हेलमेट को ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाते, 3 बुलेट में भी वो ज़्यादा खास डैमेज नहीं होता। इसके बाद आ जाती है हमारी 2nd नंबर पे M24। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि M24 अच्छी है कि Kar98, तो मैं उनको बता दूं कि M24 ज़्यादा अच्छी है। बस इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें इसका आवाज़ बहुत लाउड है, सप्रेसर नहीं लगता इसमें, ये आपके पोजीशन को रिवेल कर देता है। 1st नंबर पे आ जाती है हमारी AWM, जो कि बहुत सारे लोगों की फेवरेट गन है, तो बहुत सारे लोग इसे यूज़ भी करते हैं, इसको ढूंढते हैं भाई। बहुत एक ही शॉट में लेवल 3 का हेलमेट भी डैमेज हो जाता है और वो नॉक हो जाता है।